तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रिंसिक मोबिलिटी। जो मोबिलिटी होती है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर्स की, और इसे डिफाइन किया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू से डिनोट किया जाता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहलाती है मोबिलिटी। सेमीकंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मोबिलिटी वी ई अपॉन ई, और होल्स के मोबिलिटी म्यू एच इज इक्वल्स टू वी एच अपॉन ई। सेमीकंडक्टर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, इसीलिए सिग्मा ई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं जे अपॉन ई, और इज इक्वल्स टू हम एन ई वी ई अपॉन ई, और इसे हम लिख सकते हैं एन ई म्यू ई। वैसे ही सिग्मा एच को हम लिख सकते हैं पी ई म्यू एच। तो जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो होगी सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, या फिर हम लोग इसे लिखें एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच। और सिग्मा इज इक्वल्स टू ई को हम कॉमन निकालें तो एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी इज इक्वल्स टू एन, तो इस वजह से सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई प्लस म्यू एच, ऐसा हम लिख सकते हैं। जो मोबिलिटी होता है वो इन्फ्लुएंस होता है स्कैटरिंग से, और स्कैटरिंग का जो सोर्स होता है सेमीकंडक्टर में वो फोनॉन्स और आयनाइज्ड इम्प्यूरिटी एटम्स होते हैं। कुछ इम्परफेक्शंस की वजह से भी जो है इसमें कंट्रीब्यूशन मिलता है हमको। जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो मोबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मोबिलिटी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, थर्मल वाइब्रेशन होंगे, कोलिजन्स होंगे, तो इस वजह से जो मोबिलिटी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक्सट्रिंसिक रीजन में जहाँ एन या पी जो भी डोमिनेट करे वहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी जो है ये मोबिलिटी के बारे में है। अगर इंट्रिंसिक रीजन की बात करें हायर टेम्परेचर में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, दोनों एन और पी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टिविटी और रिजल्टेंट मोबिलिटी, इसको हम निकालने के लिए फोनॉन आयन दोनों की रेजिस्टिविटी का यूज़ करते हैं, ऐड कर सकते हैं हम इसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंडक्टर्स के लिए हम करते हैं। तो मोबिलिटी जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है, और ठीक वैसे ही जैसे कंडक्टिविटी को भी हम मानते हैं।